गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। पिछले कुछ महीनों से कोरोना के मामलों में लगातार कमी बनी हुई है। ताज़ा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी को खत्म करने का निर्देश जारी किया है। सीएम योगी के नए आदेश के मुताबिक इस रक्षाबंधन से यूपी को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया जाएगा, यानी कि रविवार को लगने वाला लॉकडाउन अब खत्म हो गया है। माना जा रहा है कि रक्षाबंधन त्यौहार से पहले प्रदेशवासियों को योगी सरकार का ये सबसे बड़ा तोहफा है। यूपी में योगी सरकार ने रक्षाबंधन त्यौहार से पहले प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। आपको बता दें कि रविवार को लगने वाला लॉकडाउन अब खत्म हो गया है। इससे पहले प्रदेश में शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही प्रदेश में शनिवार का कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया था। माना जा रहा है कि अब राज्य में कोरोना के मामले काबू में हैं। जानकारी के लिए बता दें कि देश के सबसे बड़े राज्य में दो दिन का वीकेंड कर्फ्यू अनलॉक प्रक्रिया के दौरान भी लागू था। जब स्थिति कंट्रोल में आने लगी तब सरकार के जरिए मॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति मिली, वहीं बाजार भी खोल दिए गए थे। लेकिन अब जब यूपी के 60 राज्य कोरोना मुक्त बताए जा रहे हैं, ऐसे में सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू में भी बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। भारत में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 36,571 मामले दर्ज किए गए। हालांकि इसमें करीब 58% नए मामले अकेले केरल में मिले हैं। देश में ज्यादातर राज्यों में कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। इसके बावजूद सिर्फ 5 राज्यों में ही 85% केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए रोडवेज बस का सफर फ्री करने के लिए घोषणा की है। ये फ्री बस की सेवा रक्षाबंधन वाले दिन 24 घंटे के लिए जारी रहेगी, जो 21 अगस्त की रात 12 बजे से शुरू होकर अगले दिन 22 अगस्त की रात 12 बजे तक चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।